अक्षय कुमार आज बॉलीवुड में जाने माने अभिनेता है। हाल ही में उनकी रिलीज हुई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है। ये फिल्म लगातार अच्छा कलेक्शन कर रही है और 150 करोड़ की रेस में शामिल हो चुकी है। अक्षय कुमार अब अपने आने वाली फिल्म 2.0 के प्रमोशन में लगे हुए हैं। अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होनी है। इसी रिलीज तारीख को देखते हुए अक्षय कुमार के खास दोस्त यानी कि नीरज पांडे डर से गए या यूं कहे घबरा गए हैं, क्योंकि वो इसी तारीख को अपनी फिल्म अय्यारी लेकर आने वाले हैं जिसमें हीरो होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। अक्षय कुमार और नीरज पांडे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो एक साथ बेबी और रुस्तम जैसी सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं। ऐसे में नीरज पांडे ने कहा कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 2.0 की उनकी रिलीज डेट कन्फर्म तय नहीं है, इसलिए वो अपनी फिल्म अय्यारी की भी रिलीज डेट तय नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही 2.0 की रिलीज डेट तय हो जाएगी अय्यारी की भी तय हो जाएगी, क्योंकि 2.0 काफ़ी बड़े बजट की फिल्म है। उनके मुकाबले कोई भी फिल्म खड़े करना हो या क्लैश करना तो बेवकूफ़ी भरा ही डिसीजन होगा, इसलिए अब कोई भी बड़ा सितारा नहीं चाहेगा कि वो अक्षय कुमार की 2.0 के आगे आए, क्योंकि उसमें अक्षय कुमार के अलावा सुपरस्टार रजनीकांत भी है और इस फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल और जुड़े रहिए हर खबर के साथ सबसे पहले।